इस सेशन में मैं टैक्स इनवॉइस को कवर करूंगा। तो टैक्स इनवॉइस का रिलेटेड मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी हो और प्राइस हो, फिर तो उसका अमाउंट निकले, और उसके साथ ही कोई अगर टैक्स जुड़ा हो तो टैक्स का अमाउंट अलग निकले, और टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा उसके बारे में हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ पर आप जो बना रहे हो, और उसको प्रिंट भी कैसे करते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा पूरा। और जो आपका स्लिप निकलेगा प्रिंट करके, उस पर कंपनी का नाम हो और उस पर डेट हो, सिग्नेचर भी हो, तो ये पूरा पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ लिख देते हैं टैक्स इनवॉइस या लिख सकते हैं POS पॉइंट ऑफ सेल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हमने CS सेल नंबर, हमने यहाँ लिखा क्वांटिटी, सॉरी लिखते हैं आइटम नेम, आइटम नेम, यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, और यहाँ पे हमने दे दिया टैक्स जो लगेगा, वैट वगैरह हो तो वैट यूज़ कर लो, अभी फ़िलहाल वैट चल रहा है, वैट अभी पूरा मतलब पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो टैक्स हमने दे दिया है, लिख दो टैक्स अमाउंट AMT, इसके बाद यहाँ पे लिख दो टोटल प्राइस, क्या आया प्राइस, ये लिख सकते हो टोटल अमाउंट। इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर दिया आपने, और सीरियल नंबर बना लो, यहाँ पर है एक आइटम नेम, तो हम यहाँ पे आइटम नेम कुछ हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया ट्राउज़र। और क्वांटिटी की बात हुई तो यहाँ पे क्वांटिटी दे दो, अपने दे दिया, फिलहाल हमें समझना है तो एक एक पीस लेके बना लेते हैं। और इसका हमने प्राइस दे दिया 700 रुपये, तो इसमें अमाउंट क्या आएगा, बहुत ही आसान है ना, इज इक्वल टू करो, और ये देखा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इंटर करो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। देखो यहाँ पे अगर प्राइस चेंज करो तो दो पीस का दाम कितना आया, कोई कस्टमर आया आपके पास, अब पूछता कि अच्छा साहब बताओ दो पीस का दाम कितना हुआ, तीन पीस का दाम कितना हुआ, तो आपके पास कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, एक बार कैलकुलेटर इसमें डेवलप कर लो, ये आपका पूरा पूरा प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट हम बात करें, मान लो इस ट्राउज़र पे 12% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, दो टाइप का टैक्स होता है, देखो टैक्स में भी बहुत सारे कई टाइप के टैक्स हैं, लेकिन अगर मैं GST की बात करूं तो GST पे भी कुछ टाइप के टैक्स हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। यहां पे हमने ऐड कर लिया 12%, और यहां पे टैक्स अमाउंट कितना है, देखो इज इक्वल टू करो, और हमने क्वांटिटी दिया, देखो क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करना। और इसके बाद हमें करना क्या है, हमें यूज़ करना है टैक्स अमाउंट डिवाइड बाई 100, एंटर किया, ये देखो हमें मिल गया टैक्स अमाउंट इतना आएगा, इस पर 12%, ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए एक और काम करो, इसको पूरा क्लियर कर दो, देखो एक और तरीका है, इज इक्वल टू करो, सॉरी हमने क्लिक किया इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस और मल्टीप्लाई टैक्स को डिवाइड बाई 100, अब आ जाएगा यहाँ पर टोटल 84 रुपीज़ इज इक्वल टू। अब देखो टोटल प्राइस निकालना है तो बहुत आसान है ना, अब अमाउंट ले लो प्लस करो किसको, टैक्स अमाउंट को, एंटर किया, तो ये आपका आ गया 700 रुपये टोटल पड़ रहा था यहाँ पे ट्राउज़र खरीदने पर, तो आपको 84 रुपीज़ यानी 12% टैक्स के हिसाब से आपको देना पड़ा 784 रुपये। तो आपने इसको ऐसे बना लिया, देखो यहाँ पे सिंबल लगा सकते हो कि ये परसेंटेज में है, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस कर लो, इसको हेडिंग बना दो, हेडिंग ये बन जाए, एक और काम कर लो, सेलेक्ट किया, इसको टेबल फॉर्मेट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, बॉर्डर, बॉर्डर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ लिखा होगा ऑल बॉर्डर, तो ये देखो पूरा पूरा फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद एक और काम कर लेते हैं, देखो जहाँ जहाँ आपने फार्मूला लगाया है फार्मूले पे करना क्या है, आपको इसको ड्रैग कर देना है, तो पूरा पूरा आपको हर काम मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर पीस जोड़ना, पैकेट जोड़ना, तो कैसे जोड़ते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है ना, तो पीस दिखाना चाहते हो या और यहाँ पे रुपीस दिखाना चाहते हो, तो बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पर आपको डॉलर दिख रहा है, इंग्लिश दिख रहा है, यूरो दिख रहा है, आप देखना चाहते हो पैसा,
यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मोर नंबर, यहाँ पे देखो अकाउंटिंग है, ऐसे एक्टिवेट करो तो यहाँ पे डॉलर का साइन मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए कौन सा साइन, हमें चाहिए रुपीज़ का। तो मोर पे जाएंगे, यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है तो हम सिंबल क्लिक करेंगे और अपना इंडियन का सिंबल ले लेंगे। नीचे जाएंगे हम, यहाँ लिखा है इंडिया, ओके करो। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे सिंबल मिल जाएगा रुपीज़ में, यानी 700 रुपये। और यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है तो एक और काम करो, यहाँ पे पीस दिखाना चाहते हुए वन क्वांटिटी मतलब क्या पीस में है, तो मोर ऑप्शन में जाओ, यहाँ लिखा है जनरल, यहाँ पर कस्टम लिख रहा है, ये जनरल लिखा है, यहाँ लिखो 0 डबल कोटेड, लिख दो पीसेस और ओके करो, आपको दिख जाएगा ये पीसेस। जहाँ पे यहाँ लगा दिया इसको ड्रैग कर लो, लग गया। अब ध्यान देना, ट्राउज़र हो गया, आप मान लो हमने लिखा टी शर्ट कोई बंदा खरीदता है तो टी शर्ट का दाम क्या है वो चीज़ लिखा टी शर्ट, और क्वांटिटी मान लो 3 पीस खरीदता है, ठीक है, तो 3 पीस का रेट क्या आएगा वो चीज़ हम निकालेंगे। यहाँ मैंने कैलकुलेटर यहाँ पर डेवलप कर लिया है तो ये बहुत ही आसान हमारे काम को कर देगा। और देखो यहाँ पर 3 पीस खरीद रहा है, टी शर्ट मान लो 400 रुपये के हिसाब से है तो हमें पूरा अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर आपके पास आता है कि 3 पीस का दाम बताओ, 4 पीस का दाम बताओ, तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे बस क्वांटिटी चेंज करोगे सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो यहाँ पे केवल ये सिंबल दिखा, यहाँ पे नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक और काम करो, इसको क्लिक करो, फॉर्मेट प्रिंटर ले लो, इसको अप्लाई कर दो, दिख रहा है, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस पर चाहते हो कि इस पर भी वही फॉर्मेट हो, क्लिक करो, फॉर्मेट प्रिंटर लिया, इसको पूरा अप्लाई कर दो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आप चाहते हो कि ये भी रुपीस में दिखे, बिल्कुल दिखेगा, इस चीज़ को सेलेक्ट करो क्योंकि एक जगह हमने फॉर्मेटिंग कर लिया है, इस चीज़ को पूरा ऐसे ऐड कर लो तो आपको हर जगह रुपीस में दिखेगा। एक और लास्ट में आइटम दिखाता हूँ, लिख करके यहाँ पर अपने फ्रॉक, और फ्रॉक कोई 10 पीस खरीद रहा है तो 10 पीस का रेट है मान लो 560 रुपये। फ्रॉक पे टैक्स लगा हुआ है मान लो 5%, जैसे 5% प्रेस करोगे देखो इसका टोटल प्राइस क्या आया, इसका 560 रुपये आया 10 पीस का, ओके। और इसके बाद देखो 1 पीस का दाम 560 है तो 10 पीस का दाम पूरा 5600 रुपये हो जाएगा, और 5% टैक्स कितना 280 रुपये आ रहा है, तो ये 5600 रुपये में ये अमाउंट जुड़ जाएगा। तो आप टैक्स अमाउंट चेंज करके देखो इस पर कितना अमाउंट आएगा, वो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे जब इसको प्रिंट करते हैं तो क्या लुक आता है, इसको हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखना चाहते हो तो मैं दिखा दूँ आपको कि कैसे क्या लुक आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ अजीब टाइप का लुक आ रहा है, यहाँ पर कोई कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, तो कंपनी का नाम ऐड करने के लिए ना बहुत ही आसान तरीका हमारे पास है, हम इसको पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइटल्स क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा है हीडर, कस्टम हीडर पे क्लिक करके यहाँ पे हम कंपनी का नाम देंगे, हम दे दिया कोई कंपनी का नाम लिखा वी शॉप, और यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऐड कर दो आप डेट, तो लिखा है इंसर्ट डेट, ओके करो। इसके बाद फूटर में चले जाओ, यहाँ पे लिख दिया अपने कस्टमर सिग्नेचर और यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर, ओके करिएगा, यहाँ से ओके। तो अब ये चीज़ जो बना दी आपने, इसका एक तरीका है कि इसको पूरा सेलेक्ट करो प्रिंट करने का, सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखा है प्रिंट एरिया सेट करने के लिए, सेट कर दो एरिया। अब इसको कंट्रोल F2 करोगे आप, अब ये चीज़ आपको ना प्रॉपरली दिखेगा, मैं इसको जूम कर दिखा दूँ, ये चीज़ देखो यहाँ लिखा है डेट, यहाँ लिखा है वी शॉप कंपनी का नाम या POS या आपका पूरा मैटर, और यहाँ पे आप देखना चाहो कस्टमर का सिग्नेचर, हमने देखा यहाँ पे कैसे सिग्नेचर आ गया, एक बार फिर से देख लो कंट्रोल F2, यहाँ नीचे देख सकते हो
मैं इसको ड्रैग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे एक फॉल्ट आ रहा है कि कैसे को प्रिंट, जब हम एक्सेल पर किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है एरिया का, तो आप ये A4 से एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सेट कर लेंगे ना, डबल क्लिक करके इसको सेंटर कर लेंगे, तो ये पूरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा पीस और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल F2 प्रेस करके देखो, आपका पूरा पूरा कंटेंट आएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी स्लिप बना पाओगे, कहीं भी जॉब कर पाओगे, एक ऑफिस वर्क हो या कोई शॉप का वर्क हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये रहा वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।